जब वो बाजार में गया, कीमत पता चली, तो उसे सिर्फ अब हफ्ते में एक बार लकड़ी काटने आना पड़ता था। पहले उसको रोज आना पड़ता था, लेकिन अभी हफ्ते में एक बार करने से चलता और बाकी आराम करता अपने घर में। एक दिन फिर उसे उसी जंगल में वो साधु चंदन के पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। उसने बोला, अरे मूर्ख, तू चंदन की लकड़ी हफ्ते में अब एक बार करने लगा? मैंने तेरे को इसलिए थोड़ी कहा था कि तू आलस कर, ये चंदन की लकड़ी भी रोज तोड़कर तू अपनी गरीबी को खत्म कर सकता है, पर तू तो घर बैठ गया कि हफ्ते में एक ही बार आकर काम करूं बस हो जाएगा। क्या पता इसके आगे जाओ और तुझे कुछ और अच्छा जंगल मिल जाए। तो बोला, और क्या जंगल है? कह रहे, ये जो चंदन का पेड़ है इसके आगे मैंने देखा है एक चांदी की गुफा, इसमें चांदी चांदी भरी है, भाई तू ले वहां से जाकर। इसने सोचा कि अगर चांदी की गुफा होती तो ये साधु क्या खुद पेड़ के नीचे बैठता? वो इतना अनभिज्ञ अनजान था कि वो ये भूल गया कि भी साधु को क्या चाहिए, उसे तो ईश्वर चाहिए, वो चांदी की खान का क्या करेगा। उसने कहा चलो ठीक है। वो गया, चांदी उठाकर लाया, चांदी की खान मिल गई, उसे बेचा। अब वो महीने में एक बार जो है उस खान में जाता, चांदी लेता, बेचता और घर वालों को दे देता, मतलब खुद आलसी होता गया। काम जो मिलता गया, अगर मेरे को आपको वो चांदी की खान मिले तो शायद हम रोज जाएंगे, काम करना थोड़ी छोड़ देंगे। एक महीने बाद फिर उस साधु ने बोला, भाई तू यहीं अटक गया, तू आगे क्यों नहीं जाता? इसके आगे एक और खान है, उसमें सोना है। तो वो कहता, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, सोने की खान होती, सरकार को ना पता लगती। उसने कहा, लेकिन साधु ने आज तक जो बातें कही हैं वो सब सच तो ही हैं। वो आगे गया, उसे सोने की खान मिली, वो पागल हो गया। अब वो तीन महीने में एक बार जाता, खान में से निकालता, सोना लाता, अमीर हो गया था और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, घर बंगला सब बन गया था, लेकिन रोज काम करना अब और भी दिन पे दिन खत्म होता जा रहा था। एक दिन साधु ने उससे कहा, तीन महीने बाद, भाई तू इसी सोने की खान में अटक गया, आगे जाए शायद हीरे की खान मिल जाए। उसने बोला, साधु की कोई बात गलत तो कभी नहीं हुई? उसने सोचा, अगर इतना सब जिस साधु को पता है तो ये क्यों नहीं लेता। उसने कहा, खैर छोड़ो। वो गया, खूब सारे हीरे लाया, खरबोपति बन गया। अब वो सेठ हो गया, कभी कभी साल दो साल में काम पर जाता और बहुत अपार धन। एक दिन साधु से फिर मिले और साधु ने उससे कहा कि भाई तू इसके आगे क्यों नहीं जाता, इसके आगे? कहता, अब हीरे से बढ़कर और क्या खान होगी, मुझे नहीं चाहिए सोना चांदी हीरे, सबकी खान मुझे पता है, और प्लीज हाँ डिस्टर्ब मत करो मुझे, मेरे पास बहुत काम है, मुझे आराम करना है और अपनी धन दौलत को देखना है, तो मुझे ज्ञान मत दो, जाके पेड़ के नीचे जो है तुम आराम करो। साधु को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन इसके मन में लालच आया और इसने पूछा, इसके आगे ऐसी कौन सी खान है जो मैं ध्यान नहीं दे रहा, मुझे देनी चाहिए? तो उसने बोला, तो क्या खान है, खान का नाम बताओ। तो उसने बोला, इसके आगे मोक्ष है। तुझे कल तक एक रुपया कमाने को नहीं मिल रहा था, आज तू धनवान बन गया, हीरे सोने चांदी जेवर गाड़ी बंगला नौकर चाकर घोड़ा हाथी सब तेरे पास है, लेकिन क्या तू भूल गया कि तुझे मरना है और मोक्ष भी चाहिए? मोक्ष के लिए तूने कुछ किया? अब लकड़हारे की आंखें खुल गईं, शर्म से पानी पानी हो गया और भगवान के कदमों में गिर गया, मतलब साधु के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा और बोला, मैं समझ गया, मैंने अब अपने परिवार के लिए तो सब कुछ कर दिया, लेकिन मुझे भजन कीर्तन भी करना है। एग्जैक्टली मैं और आप भी यही कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, कई लोग कर पा रहे हैं, कई लोग जस्तोजहद में लगे हुए हैं करने की, पर जैसे भी तरकर जिंदगी चल रही है, लेकिन हम उस ईश्वर का ही नाम लेना भूल जाते हैं। फिर सोना चांदी तांबा हीरा मोती भाई सब यहीं रखा रह जाएगा। कफन सिर्फ 2.5 मीटर का होता है, दूसरे के पैसे का होता है। ना हम अपने जीवन का पहला स्नान खुद कर सकते हैं ना आखिरी। प्लीज ईश्वर का नाम लेना अभी इसी वक्त से शुरू कीजिए। जय श्री राम। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, कहानी कैसी लगी बताइएगा। आपका दिन शुभ और मंगल हो। परमपिता परमात्मा से यही कामना है। फिलहाल जय माता दी।